सो हेलो एंड वेलकम बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। और अभी हम एक्चुअली आपके फर्स्ट पेपर में जो आपका सेकेंड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हम ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसी का ये चौथा पार्ट है ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसमें दो वर्ड हैं, बेसिकली आप देखिए दो वर्ड हैं, वन इज ग्लाइकोजन एंड अनदर इज जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स निर्माण, तो ग्लाइकोजन का निर्माण। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो हम देखते हैं इसको, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ग्लाइकोजन क्या होता है? सो ग्लाइकोजन इज बेसिकली अ रैपिडली मेटाबोलाइजेबल फॉर्म ऑफ द स्टोर्ड ग्लूकोज। कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसका एक संग्रहण प्रारूप है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? हमारे शरीर में संग्रहण प्रारूप है ग्लूकोज का। यानी कि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब डाइजेस्ट होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च खाते हैं या जो भी पॉलीसेक्राइड हमारे भोजन का होता है वो मोनोसेक्राइड में बदल जाता है। और मोनोसेक्राइड में बदलने के बाद क्या होता है कि फिर वो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में और वहां से फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद जब लीवर में जाता है तो इन लीवर और इन द मसल्स दैट ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इंटू ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन में बदल जाता है। लेकिन ये ग्लाइकोजन जो एक ऐसा रिजर्व है जो बहुत तेजी से मोबिलाइज हो सकता है, मतलब जैसी आवश्यकता पड़ती है हमें ग्लूकोज की, ये ग्लाइकोजन इन अ रैपिड वे, इन अ वेरी स्पीडी वे इट कैन गेट कन्वर्टेड इंटू द ग्लूकोज। और इसलिए बहुत ही तेजी से मोबिलाइज होने वाला, तेजी से ग्लूकोज में बदलने वाला एक मॉलिक्यूल है। और ये ग्लूकोज आपको पता है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा का एक प्राइमरी सोर्स होता है, खासतौर से ब्रेन में। आपको पता होना चाहिए कि शरीर का 60% जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में वो रेस्टिंग स्टेज में, मतलब रेस्ट कर रहे होते हैं, दौड़ भाग नहीं रहे होते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, तो वो ब्रेन कंज्यूम करता है। ठीक है? सो ग्लूकोज इज द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर सेल। एंड वो पर्टिकुलरली जो ग्लूकोज है ये उन सेल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जैसे हमारे जो इरिथ्रोसाइट हैं, जो आरबीसी हैं, वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो ग्लूकोज हमारे लिए, उन कोशिकाओं के लिए बड़ा ही एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है और उन जगहों पे ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ग्लूकोज तुरंत बन जाए तो उसके लिए ग्लाइकोजन जो होता है इट्स स्टोर्ड इन द लीवर एंड इन मसल। स्टोर मतलब होता क्या है, ग्लूकोज जो है एक मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज इज द मोनोमर जो पॉलीमराइज हो करके, जिसका बहुलकीकरण करके, और फिर क्या होता है कि उससे ग्लाइकोजन बनता है। सो ग्लाइकोजन इज व्हाट? ग्लाइकोजन इज द पॉलीमराइज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का एक बहुलक प्रारूप है। तो ग्लाइकोजन मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि एक तो लीवर में स्टोर होता है और दूसरा स्केल्टन मसल, हमारी जो कंकाल पेशियां होती हैं जिससे हमारे शरीर के जो हम दौड़ते हैं भागते हैं, हाथ पैर के जो मसल्स होते हैं जो हमारे मूवमेंट में ऐच्छिक गति में काम आते हैं वो स्केल्टन मसल्स है। तो लीवर में देखिए कि लीवर का जब ये हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब लीवर का हम टोटल वेट करेंगे, मान ली लीवर का वेट अगर से फॉर एग्जांपल कि 1 किलोग्राम है, तो उसमें से ये मान के चलो कि 6 to 8%, मतलब 1 ग्राम का 10% हो गया 100 ग्राम, तो 60 से 80 ग्राम जो होता है उसमें ग्लाइकोजन होता है। मसल्स में ये थोड़ा कम होता है, मसल्स के टोटल वेट का 1 to 2% होता है। लेकिन लीवर में क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन लेवल का फ्लक्चुएशन बड़ी तेजी से होता है कि आपने खाना खाया, ग्लाइकोजन वहां पर स्टोर हो गया और स्टोर होने के बाद फिर जब आपने 3-4-5 घंटे खाना नहीं खाया तो वही ग्लाइकोजन जो है वो मोबिलाइज होकर के ग्लूकोज में बदल जाता है, तो ग्लाइकोजन का लेवल वहां पर कम हो जाता है।
लेकिन मसल्स, इसलिए वहां जो फ्लक्चुएशन होता है ग्लाइकोजन के लेवल में 70-80% का होता है, मतलब जो 60 से 80 ग्राम जो ग्लाइकोजन था वो घट करके आप यूं समझिए 6-7 ग्राम तक हो सकता है, 10 ग्राम तक चला जाएगा। लेकिन मसल में 1-2% ही तो होता है टोटल वेट का, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन कम होता है। तो लेकिन दूसरी बात यह है कि लीवर की तुलना में हमारे मसल जो होते हैं, जो हमारी पेशियां होती हैं, उसका जो कुल मास है, कुल जो भार है शरीर में, कुल जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। और इसीलिए अगर हम 1-2% भी मसल्स कह रहे हैं, इसका मतलब कि अगर हम लीवर और मसल्स के टोटल ग्लाइकोजन की बात करें तो मसल्स में ग्लाइकोजन ज्यादा होता है, हालांकि होता है इसके वेट का 1-2% ही है। एंड फंक्शन ऑफ द, देखिए अब दो तरह के फंक्शन होते हैं। मसल ग्लाइकोजन का फंक्शन होता है कि एक फ्यूल रिजर्व के काम में आते हैं, मतलब ईंधन या के संग्रहण के काम में आते हैं, और जैसे ही मसल्स तेजी से काम करना होता है तो वहां तेजी से ये एटीपी बनाने का काम करते हैं। जबकि जो लीवर वाला ग्लाइकोजन है, दिस एक्चुअली एक्ट्स एज अ रेगुलेटर इन मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में काम आता है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इज टाइटली रेगुलेटेड एट सेवरल डिफरेंट लेवल्स, जैसे एलेस्टेरिक इसका रेगुलेशन होता है, मतलब जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम, उसमें एक्टिव साइट्स के अलावा उन एंजाइम्स में कुछ ऐसे भी साइट्स होते हैं जहां पर कि कुछ दूसरे रिसेप्टर्स या कुछ ऐसे कोफैक्टर्स आके लगते हैं। हार्मोनल कंट्रोल होता है, ट्रांसक्रिप्शनल होता है, जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में और उसकी लाइसिस में जो एंजाइम्स बनते हैं वो एंजाइम्स का ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल होता है, मतलब वो एंजाइम कितना ज्यादा बनेंगे क्या कितना कम बनेंगे इसका जीन्स के द्वारा कंट्रोलिंग होती है। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इज टाइटली रेगुलेटेड, इसका बहुत सख्ती से नियमन होता है कि वो किस तरफ जाएगा, कितना ग्लाइकोजन बनेगा, ये सारी चीजें बिल्कुल वेल डिफाइंड वेल रेगुलेटेड होती है। ठीक है, अब ये देखिए, अभी मैंने बता दिया कि मसल द फ्यूल रिजर्व, इट इज अ फ्यूल रिजर्व फॉर एटीपी सिंथेसिस, इन लीवर इट इज यूज्ड टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। और लीवर का जो ग्लाइकोजन है बिटवीन मील जो है जो फ्लक्चुएट करता है, जैसे नाश्ता करने से पहले जब हम रात में सो रहे थे, सोने के बाद जब सुबह का ब्रेकफास्ट हमने लिया, ब्रेकफास्ट तो हम यहां ले रहे हैं, सुबह होता है क्या कि ब्रेकफास्ट लेने के बाद क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन की मात्रा इतनी थी, फिर आप हमने 3-4 घंटे खाना नहीं खाया लंच तक 12 बजे तक, तो इसका लेवल नीचे आ गया, नीचे के बाद फिर लंच लिया तो फिर लेवल ऊपर चला गया, फिर ये डाउन गया, फिर हमने रात का डिनर ले लिया, फिर हम चूंकि सो रहे हैं वहां ज्यादा एनर्जी खर्च हो नहीं रही है, बॉडी रेस्टिंग स्टेज में है, तो बहुत देर तक ग्लाइकोजन का लेवल बना रहता है, लेकिन ब्रेकफास्ट के टाइम तक आते आते क्या होता है फिर से ये डाउन चला जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन है हमारे बिटवीन मील्स, जो हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन लेवल का फ्लक्चुएशन होता है वो डायग्राम है। नाउ अब देखिए कि जो लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है, आप देख रहे हो कि इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो ब्लैक वाला जो आपको ये ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहा है, दीज आर द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स। तो जब एक चूहे को खूब खिला पिला दिया गया, मतलब पूरा खाना दिया गया चूहे को, तब उस समय इसका लेवल जो होता है ग्लाइकोजन का, ये जो हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज ऐसा दिखता है, लेकिन 4-5 घंटे के बाद चूहे को हमने 10 घंटे खाना नहीं खिलाया तो उसके बाद देखिए सारे ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स गायब हो गए, नो ब्लैक डॉट इज अपियरिंग इन दिस स्लाइड, है ना, ये लीवर में उसके जो ग्लाइकोजन था वो सारा का सारा डिप्लीट हो गया, मोबिलाइज हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लाइकोजन जो ग्रैन्यूल्स हैं वो ब्लैक वो दिख रहे हैं जैसे पिछले स्लाइड में दिख रहे हैं। उसके बाद कुछ सवाल होते हैं कि एक सवाल ये है जो नॉर्मली आपको सिलेबस के हिसाब से स्ट्रिक्टली तो नहीं पढ़ना, लेकिन ये एक क्विज का सवाल हो सकता है कि हम ग्लाइकोजन को क्यों स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन है तो उसका आपने देखा कि बहुत शॉर्ट स्टोरेज था, 10-12 घंटे में वो अगर खाना नहीं खाए तो ग्लाइकोजन का लेवल बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो हम एनर्जी के सोर्स के रूप में हम फैट को क्यों नहीं स्टोर करते हैं, जिसकी वजह हम ग्लाइकोजन करते हैं। तो फैट जो है ग्लाइकोजन की तरह उसका फास्ट मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता, मतलब
फैट से अगर हमको शुगर बनाना होगा तो काफी लंबा टाइम लगेगा, और बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति के फैट से आप क्या कहते हैं ग्लूकोज नहीं बना सकते। और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में फैट हमारे काम नहीं आएगा। दैट्स वाई फॉर टेम्पररी रिजर्व ऑफ द शुगर जो ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। उसके बाद जो फिर दूसरा सवाल, चलिए मैं इसको स्किप करता हूं, कोई मतलब नहीं है सब ज्यादा आपके लिए। तो लीवर का फंक्शन हमने बता दिया, लीवर में क्या जो ग्लाइकोजन का फंक्शन है, लीवर में क्या करता है ये, इसकी सिंथेसिस होती है और ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन का टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। मसल्स में जो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, जैसे मैंने कहा ना ग्लाइकोजेनेसिस, इसके उल्टी क्रिया होती है जिसमें ग्लाइकोजन से जो शुगर का निर्माण होता है उसको हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, लाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन, जबकि जो ग्लाइकोजन का जो निर्माण होता है वो जेनेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो जो ग्लाइकोजेनेसिस है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, सिंथेसिस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इट इज रेगुलेटेड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द मसल्स। मसल जितना काम करते हैं उसके लिए तत्काल एटीपी का प्रबंध करने के लिए ये ग्लाइकोजन होते हैं, कि जैसे ही वहां पर मसल्स तेजी से काम करना शुरू कर देता है वहां के ग्लाइकोजन तेजी से मेटाबोलाइज होते हैं, तेजी से मोबिलाइज होते हैं, तेजी से वो टूटते हैं और टूट करके ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी इन द मसल सेल्स या मसल टिश्यूज। तो ये एक्चुअली जो पाथवे है ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस का है, लेकिन चलिए हम इसको उल्टा देखते हैं कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना इससे शुरू होता है बनना ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, ये आपने देखा था ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में, देखा था ना। वहां पर जो एंजाइम लगता था उसका नाम था हेक्सोकाइनेज, फिर ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, द नेम ऑफ एंजाइम इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। और ये एक्चुअली ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इस पे काम करेगा कि ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और इसका रेशियो कितना है, उसी के हिसाब से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, लेकिन होता ये है कि दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो होता है ये बनाता है ग्लाइकोजन, यहां पर एंजाइम का नाम है ग्लाइकोजन सिंथेटेज, जो अभी हम आएगा नाम, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज। वो क्या करता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से ग्लाइकोजन बना देता है। फिर जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है उसके दूसरे काम भी है, ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाकर के राइबोज बन और NADPH बनाता है जो पौधों में काम आते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में जाता है और पाइरूवेट बनाता है, आगे की कहानी हमने पढ़ रखा है अभी रिसेंटली, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन, ये क्या है, दिस इज अ शुगर मॉलिक्यूल, शुगर सॉरी, ये दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज आपको पता है कि एक हेक्सोज मॉलिक्यूल होता है, मतलब उसमें 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन होते हैं, और वो जो ग्लूकोज है इट इज बेसिकली द एल्डिहाइडिक और कीटोनिक डेरिवेटिव ऑफ अ पॉलीहाइड्रोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी बहुत सारे एल्कोहल ग्रुप वाला, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला जो एल्कोहल होता है उसमें अगर एक एल्डिहाइड लग जाता है या कोई कीटोनिक ग्रुप लग जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये मुझे बता, जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट द थिंग इज कि दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लूकोज, ये जो मैं 2 लाइनें बना रहा हूं ग्लूकोज है। अब हर ये थी एक, ये सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो ग्लूकोज का ये वाला कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 है। तो यहां जो लिंकेज हो रहा है आप देखिए, दिस इज कार्बन नंबर 4 है ना, दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 1। सो दिस लिंकेज, ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, इसको हम कहेंगे 1-4 ग्लाइकोसाइड लिंक। ये क्या है, 1-4 लिंकेज है, ये 1-4 लिंकेज है, ये 1-4 लिंकेज है, ठीक है, ये सारा का सारा यहां भी देखिए ये 1-4 लिंकेज है। लेकिन होता क्या है कि इसका चेन सिर्फ स्ट्रेट ही नहीं होता, इसमें क्या होती है, ब्रांचिंग भी होती है। जो ग्लाइकोजन के जो मॉलिक्यूल हैं
उसमें ब्रांचिंग होती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की ब्रांचिंग के लिए क्या होता है कि फिर ये जो छठा कार्बन है और जो पहला कार्बन है, एक दूसरी यहां देखिए ग्लूकोज की एक दूसरी श्रृंखला यहां है, तो इसके पहले इसका इसका जो है जो पहला कार्बन है और जो सिक्स कार्बन है, एक जो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का छठा कार्बन और इसका पहला कार्बन, तो इसके बीच में ये अल्फा 1,6 लिंकेज बनता है जिससे इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। सो यहां तक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे जो होते हैं इसके बीच जो लिंकेज है वो 1,4 लिंकेज है, और यहां से यहां इनके बीच जो लिंकेज होगा, ठीक है, जो इनके बीच का जो लिंकेज होगा ये 1,6 लिंकेज होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, देखिए फिर उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं, दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच द ग्लाइकोजन अपीयर्स। ये ग्लाइकोजन इसी प्रकार से दिखता है, एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है, बहुत सारे जो दाने दाने जैसे लगे हुए हैं, ये सारे के सारे ग्लूकोज यूनिट्स हैं, और ये देखिए ये सीधे भी चल रहे हैं, फिर इन्हें ब्रांचिंग भी हो रही है। सो दिस इज द स्ट्रेट चेन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल्स, द शुगर मॉलिक्यूल ज्वाइंट बाई 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये जो है ये 1,6 लिंकेज के जरिए जुड़े हुए हैं जिससे कि यहां से ब्रांचिंग बन गई। तो ये हम बता चुके हैं आपको। नाउ लेट अस सी हाउ द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस गोज। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस होता है वो एक यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज यानी यूडीपी का निर्माण होता है। यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है और ये जो है एक मीडिएटर का काम करता है। अगर ये जो है यूडीपी बेसिकली द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो जब तक ये यूडीपी ग्लूकोज नहीं बनेगा तब तक ग्लाइकोजन नहीं बन सकता। और फिर क्या होता है कि मान लीजिए ग्लाइकोजन एन है, मतलब 100 ग्लूकोज अणुओं वाला एक ग्लाइकोजन है, 100 ग्लूकोज का एक पॉलीमर ग्लाइकोजन है, सो एन इज 100, उसमें जब यूडीपी ग्लूकोज जाके लगेगा तो ये 101 ग्लूकोज वाला ग्लाइकोजन बन जाएगा और यूडीपी अलग हो जाएगा। मतलब ये जो यूडीपी ग्लूकोज है दिस विल ट्रांसफर इट्स ग्लूकोज टू दिस, और फिर क्या हो जाएगा 100 से 101 ग्लूकोज वाला ग्लाइकोजन बन जाएगा। यहां देखिए डिग्रेडेशन जब होता है तो ग्लाइकोजन से फिर क्या होता है, जब डिग्रेडेशन होगा तो 101 से ये 99 हो जाएगा। अब ग्लाइकोजन सिंथेसिस यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस एंड डिग्रेडेशन ग्लाइकोजेनालिसिस दोनों अलग अलग पाथवे से होते हैं, एक ही पाथवे से, एक ही मेटाबॉलिक पाथवे वो नहीं होता। द पर्सन हु फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड दैट द शुगर न्यूक्लियोटाइड हैज गॉट इट्स रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, इनका नाम था लुइस लेलेओर। इनको केमिस्ट्री में 1970 में नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने यूडीपी की भूमिका ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में पहली बार बताई थी। सो दिस इज द यूडीपी ग्लूकोज, ये आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये दो फॉस्फेट लगे हुए हैं, ये क्या दिख रहा है, दिस इज राइबोस शुगर एंड दिस इज यूरासिल। तो यूरासिल और ग्लाइकोज ये राइबोज जब मिल गया तो इसको हम क्या कहेंगे, यूरिडीन कहेंगे, इसके साथ दो फॉस्फेट, सो नाउ इट इज यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और यूरिडीन डाइफॉस्फेट के साथ एक ग्लूकोज लगा हुआ है, सो नाउ इट इज कॉल्ड एज यूडीपी ग्लूकोज और यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। ठीक है, नाउ हाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस इज द कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, है ना। यहां पर बीच में एक स्टेज आता है जब 1,6 फॉस्फेट ग्लूकोज का बनता है, एंड पहले ये क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1,6 बाय फॉस्फेट, फिर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, या ये क्रिया उल्टी भी होगी। और ये देखते हैं कि आप ये जो रिएक्शन है रिवर्सेबल है, उत्क्रमणीय क्रिया है, और जो एंजाइम है यहां पर उसका नाम है, क्या नाम है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये एंजाइम आप पढ़ चुके हो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में, ठीक है, पहले ही दूसरे तीसरे स्टेप में होता था। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट गेट्स जो है ग्लूकोज 6 सॉरी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है। फिर अगला क्या है कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था, देखिए ये क्या है, दिस इज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, ये देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 और
फाइव और छठा कार्बन ये है। तो ऑब्वियसली ये ग्लूकोज के पहले कार्बन पे एक फॉस्फेट लगा हुआ है, ये जाके जुड़ेगा किससे, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट से। यदि आप देख रहे ये राइबोस शुगर है और ये यूरासिल है और यहां पर तीन फॉस्फेट लगे हुए, ये क्या कहलाएगा, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब यहां जाकर के ये यहां पर इस न्यूक्लियस को अटैक करता है फॉस्फेट के, और वहां जाने के बाद फिर क्या होता है कि ये जो दोनों फॉस्फेट है, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये अलग हो जाएंगे और दिस मॉलिक्यूल विल गेट अटैच। तो यहां पर एक फॉस्फेट यहां रह जाएगा, दूसरा फॉस्फेट ये लग जाएगा। तो एक फॉस्फेट तो इसका यूटीपी का पहले से था, यूरिडिन का, यूरिडिन न्यूक्लियोटाइड का, और दूसरा फॉस्फेट ये शुगर से गया। तो नाउ इट इज ग्लूकोज वन जो सिक्स फॉस्फेट और ये यूरिडिन का यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, ये दोनों मिल करके, क्योंकि यहां दो फॉस्फेट यहां निकल गए मोनोफॉस्फेट, ये मिल करके क्या बनाते हैं, दे मेक यूरिडिन डाइफॉस्फेट। यहां पर जो एंजाइम होती है उसका नाम है फॉस्फेटेज नाम का एक एंजाइम होता है, इसको पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम कहते हैं, जो क्या करता है, ग्लूकोज वन फॉस्फेट को ग्लूकोज सॉरी यूडीपी ग्लूकोज में बदल देता है। अब यहां से भूमिका आती है कि यूडीपी ग्लूकोज तो ये बन गया, यहां पर यूरिडीन लगा हुआ है और ये दो फॉस्फेट है, तो ये ग्लूकोज मतलब यूडीपी ग्लूकोज बना और ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है। सबसे बड़ी बात ये है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में उसमें प्राइमर होना जरूरी है, प्राइमर मतलब कि कम से कम आठ दस ग्लूकोज वाला एक ग्लाइकोजन का एक पहले से एक एग्जिस्टिंग चेन होना जरूरी है। अगर वो प्राइमर नहीं रहेगा तो फिर ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगी नहीं, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज का एक जो पॉलीमर है, जो पांच सात ग्लूकोज का जो पॉलीमर है, जो छोटा सा ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल है, वो प्राइमर का काम करता है, और वो प्राइमर नहीं होगा तो फिर ये जाकर के जुड़ेगा नहीं। सो द प्रेजेंस ऑफ प्राइमर इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, वो प्राइमर होना जरूरी है तभी ये ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजन बेसिकली होता कुछ नहीं है कि मान लीजिए 10 ग्लूकोज के रेसिड्यू वाला कोई एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है, तो ये यूडीपी ग्लूकोज क्या क्या करेगा, इसमें 11वां जोड़ देगा, फिर 11 वाला हो जाएगा तो फिर दूसरा यूडीपी ग्लूकोज आएगा वो 12वें को जोड़ देगा, फिर 12 का हो जाएगा तो फिर यूडीपी ग्लूकोज जो है वो जाके जुड़ जाएगा, ये 13 ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले से उपस्थित जो श्रृंखला होती है उसमें लगातार एक एक करके ग्लूकोज को जोड़ने की प्रक्रिया ही ग्लाइकोजन सिंथेसिस है, ठीक है, या ग्लाइकोजन जेनेसिस है। तो यहां आपने क्या देखा कि यहां पर सपोज करिए कि यहां पे एन ग्लूकोज, अभी यहां दो ग्लूकोज दिखाया गया है, मान लीजिए दो ग्लूकोज थे, ठीक है, पहले से जो हमारे पास ग्लाइकोजन का जो प्राइमर था उसमें दो ग्लूकोज, प्राइमर मतलब कुछ 8, 10, 15, 20 ग्लूकोज का एक पॉलीमर जो ग्लाइकोजन के रूप में दिखाई पड़ता है, और उसी पॉलीमर पर फर्दर ग्लूकोज जुड़ता जाता है और ग्लाइकोजन की श्रृंखला लंबी होती जाती है। तो पहले ये दो थे, अब इसने क्या किया कि इसने अपना ये वाला मॉलिक्यूल जो था ये ट्रांसफर हो गया यहां पर, ठीक है, और यहां पर ट्रांसफर होने के बाद ग्लूकोज तो यहां जुड़ गया और बाकी ये जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट है ये अलग से टूट करके निकल गया बाहर। तो इस यूरिडीन डाइफॉस्फेट का इतना ही काम था, जो यूरिडीन का जो मॉलिक्यूल था जो न्यूक्लियोटाइड है, इसका काम यह होता है कि ग्लूकोज को उठाना और इसको ट्रांसफर कर देना एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन के प्राइमर पर, ठीक है। फिर उसी प्रकार से श्रृंखला का यही काम देखिए दोबारा से बताया गया, ग्लूकोज वन फॉस्फेट प्लस यूटीपी, इससे क्या बना यूडीपी ग्लूकोज, फिर जो यूडीपी ये तो खैर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये पहले हम बता चुके हैं बेसिकली, ये फॉस्फोरलेज एंजाइम क्या करेगा कि इसमें से उल्टा करेगा और फॉस्फेटेज इसको जोड़ देगा, क्या कहते हैं यूडीपी ग्लूकोज बनेगा। हाँ, तो ये जो क्रिया जो जोड़ने वाली थी ये आप देख रहे हैं कि यूडीपी ग्लूकोज ने पहले से एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन पर इसको जोड़ दिया। सो और ये जो प्रोसेस होता है जो फॉस्फेट, ये इसको ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है, जो फॉस्फेटेज में बोल रहा था ना बेसिकली फॉस्फेटेज तो पहले था, ये जो यूडीपी ग्लूकोज से को जो यहां जोड़ने वाला जो एंजाइम है उसका नाम होता है ग्लाइकोजन सिंथेटेज,
ये जो दो शुगर वाला ग्लाइकोजन एक बार आप इमेजिन कर लीजिए, और इसमें क्या हुआ कि इसमें से ये वाला हम बता चुके हैं कि ये जो ग्लूकोज है यहाँ आकर जुड़ रहा है, और ये दोनों जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ये फ्री हो जाएंगे, तो ये दो से तीन वाला हो जाएगा। जो प्राइमर होता है वहां पर प्राइमर के कम से कम चार चार ग्लूकोज के यूनिट का एक प्राइमर होना चाहिए, और वहां पर एक ग्लाइकोजेनिन नाम का जो प्रोटीन होता है इस प्राइमर को बनाने में और उसको वहां पर जोड़ने का के काम में मदद करता है। अब देखिए वहां पर क्या हुआ कि अभी एक लंबी श्रृंखला तो बन गई, आपने देखा कि मान लीजिए चार वाला था तो उसमें यूडीपी ग्लूकोज ने ला करके एक और जोड़ दिया तो पांच वाला हो जाएगा, फिर एक दूसरे को ला के जोड़ देगा तो ये छह वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला तो बन गई। एंड दीज ऑल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ 1-4 लिंकेज, ये बता दिया मैंने। सारे के सारे जो लिंकेज है क्या है, पहले और चौथे कार्बन के बीच में, एक का पहला दूसरे का चौथा कार्बन, इस प्रकार से 1-4 लिंकेज से जुड़े हुए। नाउ व्हाट इज रिक्वायर इज द इसकी ब्रांचिंग कैसे होगी। तो ब्रांचिंग के लिए क्या करना पड़ता है कि ब्रांचिंग एंजाइम का नाम देखिए यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1-4 अल्फा ग्लूकोन ब्रांचिंग एंजाइम, इसका नाम एमाइलो 1-4-1-6 ट्रांस ग्लूकोसाइडेज भी होता है। ये थोड़ा सा साइडेज की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, साइडेज लिख दिया है मैंने इसको, ये साइडेज होता है। ये क्या करता है कि जैसे ये पूरा का पूरा एक सीधी श्रृंखला है ना, एक ये ग्लाइकोजन की सीधी श्रृंखला, ये क्या करेगा यहां से इस टुकड़े को उठाएगा, इस 7 से 9 टुकड़े वाला एक जो 7 से 9 ग्लूकोज यूनिट वाला एक चंक उठाता है, यहां से उठाता है और इसको ले जाके क्या करेगा कि इसको ले जाके जोड़ देगा इसके छठे कार्बन से। छठा कार्बन देखिए इसका कहां है, सॉरी इसका जो छठा कार्बन होगा और इसका पहला कार्बन, इसका पहला कार्बन और इसका छठा कार्बन, तो ये देखिए इसका छठा कार्बन और इसका पहला कार्बन या करके 1-6 लिंकेज यहां बना दिया, जिससे कि एक ब्रांच का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से एक ब्रांच बन जाएगा, फिर इस ब्रांच से और ब्रांच निकल जाएंगे, इसलिए ब्रांचिंग एंजाइम इसकी क्रिया इसके इसका जो स्ट्रक्चर है इसको और एनसी बनाता रहता है। तो देखिए दिस वाज द स्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसमें एक ब्रांच ऑलरेडी था, अब क्या हुआ कि यहां से इतने ग्लूकोज यूनिट्स के चंक को उठाया और उसे यहां जोड़ दिया, तो एक ब्रांच था, नाउ अनदर ब्रांच इज ऑल्सो फॉर्म। सो ब्रांचिंग एंजाइम ट्रांसफर 6 to 8 ग्लूकोज यूनिट्स फ्रॉम वन चेन टू अनदर थ्रू द अल्फा 6 लिंकेज, अल्फा 6 लिंकेज के फॉर्मेशन से इसको करता है, और जो नया क्रिएटेड जो ब्रांच होता है वो ग्लूकोज यूनिट को ऐसे ही। तो ये सबसे पहले तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो था वो तो क्या कर रहा था कि 1-4 लिंकेज बनाता जा रहा था लगातार, वो यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज लेकर के और उसको पहले से एग्जिस्टिंग जो प्राइमर था उसमें जोड़ रहा था, और जो ब्रांचिंग एंजाइम है इसमें वो क्या करता है नए जो ब्रांच बनाने का काम करता है। सो ओवरऑल रिएक्शन इज दिस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस एटीपी ग्लाइकोजन प्लस H2O, इसको ये ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है, ये मैं अभी पीपीटी शेयर कर दूंगा आपको इस ग्रुप में, आप इसको देख लेना। अब ये है कि रेगुलेशन कैसे होता है इसका, मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था इसका जो रेगुलेशन है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का ये बड़ा टाइट होता है, और उसमें एलोस्टेरिक और हार्मोनल और ट्रांसक्रिप्शनल कई लेवल से इसका होता है रेगुलेशन। लेकिन जो जनरल रेगुलेशन होता है हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए जो मेन एंजाइम है सिंथेसिस करने वाला उसका नाम क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज दो अवस्थाओं में हो सकता है, एक तो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, दूसरा इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो अगर इस ग्लाइकोजन सिंथेज को फॉस्फोलेट कर देते हैं, मतलब यहां इस ग्लाइकोजन एंजाइम में हम एक फॉस्फेट ग्रुप जाके जोड़ दें, तो क्या होगा कि ये एंजाइम जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव फॉर्म जो है वो ए है, और जब इनएक्टिव हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा। तो एक्टिव फॉर्म तो सिर्फ ग्लाइकोजन सिंथेटेज था, और ये क्या होगा कि इसमें जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज है इसमें अगर एक आप फॉस्फेट लगा देंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, और ये एक्टिव भाग है। समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से, कि जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम है
इसमें अगर हम एक फॉस्फेट ग्रुप लाके जोड़ देंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, और ये अगर एक फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेटेज से हटा दिए, फॉस्फोरिलेज नाम का एंजाइम जो है वो हटा देता है, ये फॉस्फेटेज एंजाइम जो है इसमें से फॉस्फेटेज एंजाइम जो है इसमें से फॉस्फेट को हटा देता है और फॉस्फोरिलेज जो होते हैं फॉस्फेट, मैं उल्टा बोल रहा था, तो ये जो ग्लाइकोजन सिंथेस का जो फॉस्फोरिलीकरण होता है, फॉस्फोरिलेशन होता है, ये फॉस्फोरिलेज एंजाइम करता है और फिर इससे इसे कन्वर्ट करने के लिए फॉस्फेटेज एंजाइम होता है जिसकी बड़ी भूमिका होती है। तो अब देखिए एक स्लाइड हम बता देखिए, यहां पर आप देखिए कि एक हार्मोन है जिसका नाम है इपिनेफ्रिन। ये इपिनेफ्रिन जाकर के लीवर के या मसल्स के कोशिकाओं के मेम्ब्रेन पे जाके लगता है और वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है एडेनाइलेट साइक्लेज। एडेनाइलेट साइक्लेज जो होता है वो एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाता है, ये हम पढ़ेंगे किसी और लेसन में साइक्लिक एएमपी क्या होता है। दिस एक्चुअली ये जो जिसमें ग्रीन वाले हैं दीज आर द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, जो रेड वाले हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, समझ में आएगा। तो ये दिस एक्टिव साइक्लिक जो एएमपी है ये प्रोटीन काइनेज ए को प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव में बदल देगा, फिर ये प्रोटीन काइनेज एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज को फॉस्फोरिलेज काइनेज फॉस्फोरिलेज जो है वो फॉस्फोरिलेज में बदल जाएगा। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये जो एक्टिव फॉस्फोरिलेज है ये काम आता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस में, यानी कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करने में, सिंथेसिस का काम करता है ये, कौन, ग्लाइकोजन सिंथेज। तो ये साइक्लिक एएमपी का ये भी काम है कि ये जो प्रोटीन काइनेज था ये सीधा सीधा ये भी कर रहा है कि ग्लाइकोजन सिंथेज को क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर दे रहा है, ठीक है। और यहां पर जो फॉस्फो जो ये जो क्या कहते हैं जो फॉस्फोरिलेट, क्योंकि आपको पता है कि इस जो एक्टिव से इनएक्टिव होने के लिए फॉस्फोरिलेज एंजाइम लगेगा, जो यहां का ये स्टेप ये खा गया, ये यहां पर लगेगा, तो लगने के बाद क्या होगा कि ये फॉस्फोरिलेज को तो एक्टिव कर देता है जिससे कि ग्लाइकोजन जन के टूटने की क्रिया तेज हो जाएगी, बट दिस इनएक्टिवेट्स द ग्लाइकोजन सिंथेटेज या ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस द ग्लाइकोजन। तब यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है PP1। देखिए इस एंजाइम का नाम क्या है, PP1। ये PP1 देखिए कहां काम करता है। PP1 क्या करेगा कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि ग्लाइकोजन सिंथेज में अगर एक फॉस्फेट जाके लग जाएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। एक्चुअली जो फॉस्फेट का लगना और टूटने की क्रिया है ना, बहुत सारे एंजाइम फॉस्फेट लगने के बाद एक्टिवेट होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं फॉस्फेट लगने के बाद इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ग्लाइकोजन सिंथेज इज द काइंड ऑफ एंजाइम दैट गेट्स इनएक्टिवेटेड आफ्टर द फॉस्फोरिलेशन। तो जिस पर फॉस्फेट लगा था तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो था तो इनएक्टिव हो गया। अब जो PP1 है जिसका नाम प्रोटीन फॉस्फेटेज है, दिस एक्चुअली रिमूव्स द फॉस्फेट फ्रॉम ग्लाइकोजन सिंथेज और वो क्या करता है, इसको एक्टिव बना देता है। तो इस एंजाइम की बड़ी भूमिका होती है प्रोटीन फॉस्फेटेज वन की, ठीक है। और आप देख रहे हो कि एपिनेफ्रिन जो तभी होगा जब हम शरीर संकट की स्थिति में होता है। एपिनेफ्रिन हमने आपको जब हॉर्मोन्स पढ़ाया था एड्रिनल मेडुला, दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट दिस इज द हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। अचानक से दौड़ना पड़ जाए, भागना पड़ जाए, या बॉडी में कोई दूसरा ट्रॉमा आ गया, इन दैट कंडीशन एपिनेफ्रिन इज जनरेटेड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, जो क्या करता है कि उस समय एपिनेफ्रिन का काम क्या है कि ब्लड में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को या मसल में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को फ्री करना, ग्लाइकोजन को तोड़ना। तो ये जो एपिनेफ्रिन का प्रोसेस है, इस का जो की जो क्रिया है इसको प्रोटीन फॉस्फेटेज रिवर्ट कर देता है जिसकी वजह से ग्लाइकोसिंथेसिस क्रिया बढ़ती है। सो PP1 डी फॉस्फोरिलेज फॉस्फोरिलेज काइनेज एंड फॉस्फोरिलेज ए, ये भी हम देखेंगे, ये ऑल्सो डीफॉस्फोरिलेट द ग्लाइकोजन सिंथेज। तो ये क्या करता है, जैसे मैंने कहा कि देखिए ये जो PP1 है, एक तो ये करेगा कि ये जो प्रोटीन काइनेज ये बना, यहां पर ये फॉस्फेट लगेगा ना, फॉस्फोरिलेशन की क्रिया होगी,
यहां भी जो इससे बन रहा है तो इसका मतलब इसमें एक फॉस्फेट लगा है तभी एक्टिव हुआ है, यहां भी क्या हुआ है कि फॉस्फेट लगा तभी एक्टिव हुआ, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के उल्टा काम करता है। लेकिन जो पीपी वन है वो क्या करता है, उसके फॉस्फेट को हटा देता है यहां से यहां से यहां से और उन सबको क्या करता है, दिस एक्चुअली ये इन एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉस्फोरिलेज अगर इनएक्टिवेट हो गया तो इसका मतलब ग्लाइकोजन का मोबिलाइजेशन नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये भी करता है कि ये जो पीपी वन है, जैसे मैंने कहा कि पहले ग्लाइकोजन सिंथेज ऐसे था, इस पर एक फॉस्फेट आके जुड़ गया, नाउ इट बिकेम इनएक्टिव। अब ये जो पीपी वन है इसका काम नाम क्या है, प्रोटीन फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या करेगा, इस फॉस्फेट को यहां से हटा देगा, सो दिस पीपी वन विल रिमूव दिस फॉस्फेट एंड इट विल एक्टिवेट द ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। मैं इसको हाँ देखिए, ब्लड में जो ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज आप ऐड करेंगे तो फॉस्फोरिलेज एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। फिर बॉडी में जब ग्लूकोज कम हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये ग्लूकोज नाम का एंजाइम, ये सिंथेज है, ग्लाइकोजन सिंथेज है, ये एक्टिवेट हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ये डिपेंड करता है कि ब्लड ग्लूकोज कितना है, उसी के हिसाब से ब्लड ग्लूकोज अगर ज्यादा हो जाएगा तो सिंथेज एक्टिव हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज कम होगा तो फॉस्फोरिलेज एक्टिव हो जाएगा। ये जो है ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस की क्रिया करता है और ये जो है ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया करता है, ये ग्लाइकोजन का निर्माण करता है और ये ग्लाइकोजन को डिग्रेड करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है। उसके बाद एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है, इसको हम कहते हैं वॉन विर्के डिजीज। ये बेसिकली ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज जो एंजाइम है, क्योंकि अब जो ग्लाइकोजन टूटेगा ना तो ये वन फॉस्फेटेज सिक्स फॉस्फेटेज में बदलेगा, तो ग्लूकोज फॉस्फेट, तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं होगा तो ग्लाइकोजन के टूटने की क्रिया नहीं होगी। और तब ये ग्लाइकोजन जब जमा हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि उसमें पेट की आकार बड़ा हो जाता है, हाथ पैर पतले होते हैं, सीरम ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, एसिडोसिस हो जाती है। ठीक है, एक तो ये वॉन विर्के डिजीज है और दूसरा एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं एंडरसन डिजीज। इसमें क्या होता है कि एक जो ब्रांचिंग एंजाइम बनाने वाला जो जीन है जीबीई, इसका म्यूटेशन हो जाता है। तो अगर ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति होगी तब भी ये देखा गया है कि जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज बढ़ जाता है। दूसरा, ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होगा ना तो ये क्या करेगा कि ग्लूकोज की, ये जो ग्लाइकोजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और उसके बाद क्या करेगा कि वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल का वो भी बढ़ा देगा और वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण सेल की स्थिति अच्छी रहती नहीं है। तो इसका मतलब जो ब्रांचिंग का काम, जो ब्रांचिंग का के बारे में आपको पता नहीं बताया नहीं बताया कि जो ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग एक्चुअली इट इनहेंसेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड एंड एज वेल एज इट एक्चुअली ऑल्सो रिड्यूसेज द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज जनरेटेड फ्रॉम बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोजन। उसके बाद एक लास्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं कि ग्लाइकोजन कब बनता है, कि ग्लाइकोजन जो है जब स्टार्व स्टेट होता है, स्टार्व मतलब आदमी भूखा रहता है, भूख लगती है, तो क्या होता है कि ग्लाइकोजेनेसिस जो है स्टिमुलेट हो जाती है और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है जिससे कि वैसे ग्लूकोज बनेगा। और जब हाई ग्लूकोज लेवल होता है, जैसे आपने खाना खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका 200-300 हो गया, फिर आधे घंटे के अंदर फिर ये जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस की क्रिया स्टार्ट होती है एंड द एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपके ब्लड बॉडी का होता है वो जाकर के ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। आज मैं फिर एक्चुअली वो एक जो आपके वो डाल रहा हूँ अभी असाइनमेंट सीट गूगल फॉर्म, और उसको आप देखना और उसको हल करना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।